नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लखनऊ से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 1573 ANM स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, जिसका सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में किया गया। इस क्रम में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा जनपद स्तर पर चयनित 16 ANM स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने नव चयनित ANM स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी तथा उन्होंने कहा कि अपने अपने कर्तव्यों दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ करें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, जनप्रतिनिधि सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। सोलह स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है। जैसा कि आपने मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में सुना है कि किस तरह से विगत वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में हर आयाम में कार्य हुआ है और उसका परिणाम आप सबके सामने है। मैं विगत दो वर्षों से यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मुझे भी ANM की कम संख्या होने के कारण से क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता से सेवा देने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जून में अभी 171 ANM इस जनपद को मिली हैं और आज 16 ANM मिली हैं। आज हम कह सकते हैं कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर हमारी ANM की कमी थी, वहां पर हम काफ़ी कुशलता से कार्य कर सकते हैं। पर्याप्त संख्या हमारी है, अभी भी हमको आवश्यकता है क्योंकि पुरानी ANM धीरे धीरे रिटायर भी हो रही हैं, उनकी जगह खाली हो रही है। कुछ अभी भी रिक्तियाँ हैं, लेकिन हम लोगों ने अच्छी संख्या में ANM प्राप्त किया है तो हम सोचते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। जो अभी तक भेजे जा रहे थे तो अभी इनका आज पत्र मिला है, एक दो दिन में मैं इनको इनका स्थान भी दे दूँगा जहाँ पर कार्य। आपसे वादा है कि चिकित्सा क्षेत्र में राजमगढ़ में अच्छा कितनी आवश्यकता भी है। अब अभी लगभग 100 की रुपया हैं क्योंकि जो पुरानी ANM थी धीरे धीरे रिटायर भी हो रही है। वो 171 प्लस 16 ये भी मिली है पुरानी ANM की। लगभग हमारे पास 530 के आसपास ANM हैं, अभी भी हमको लगभग 100 ANM की आवश्यकता। मेरे क्षेत्र के लिए पर्याप्त ANM की उपस्थिति हो गई है और मैं अच्छा कार्य कर सकता हूँ। संज्ञान होगा 171 ANM की को स्थान दिया जाना था, नियुक्ति किस जगह पर की जानी है, उसके लिए मैंने सबको एक साथ बुला करके लाठी सिस्टम से उनके हाथों से टोकन निकलवाया था और सबको उनका स्थान निर्देश किया था। इस बार भी मैं संभवतः परसों इनको बुलाऊँगा और वैसे ही सबको उनका स्थान दूंगा। किसी भी तरह से किसी को कोई मौका शिकायत का नहीं मिलेगा। पूरी निष्पक्षता के साथ जैसे प्रशासन ने शासन ने इनकी नियुक्ति की है, मैं भी अपने जनपद में इनको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और हमारी आवश्यकता के हिसाब से जो केंद्र खाली होंगे वहाँ पर नियुक्ति ठीक है। आज देश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रदेश के 1673 ANM जो हमारी अभी चयनित हुई हैं उनके नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसी के क्रम में आज आजमगढ़ में हमारे आजमगढ़ की हमारी 16 बहनें उसमें चयनित हुई हैं, उसमें आज नियुक्ति प्रमाण पत्र उनको दिया गया है। जिलाधिकारी और CMO साहब की अध्यक्षता में आज उनको प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। इसी कार्यक्रम के निमित्त जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यभार संभाला है, तब से चाहे जिस क्षेत्र की नियुक्ति हो, पारदर्शी तरीके से जो हमारे चयनित अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे के उनको ज्वाइन करा के, जो शिक्षक रहे हों,
चाहे पुलिस की भर्ती रही हो, चाहे हमारी एनएम की भर्ती रही हो, उनको प्रमाण पत्र देके उनको बिना भेदभाव के उनको नियुक्ति प्रमाण देके उनको उनके कार्यस्थल पर भेजने का काम किया जा रहा है। आज के अवसर पर इस पुनीत काम के लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का अपने जनपद वासियों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि जब से इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी ने कार्यभार संभाला है, तब से उत्तर प्रदेश नित नए आयामों को विकास को छूते हुए उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक अग्रणी भूमिका में जा रहा है। अच्छा जी, खास के लोग हैं और ये जो नियुक्ति पत्र आज वितरित किया है ये अपने जिले की बच्चियाँ हैं, बहू के रूप में बेटी के रूप में आज अपने ही जिले की बेटियां हैं जिनको ये प्रमाण पत्र आज दिया गया है। और पिछली सरकार क्या करती थी आप सबसे छिपा नहीं है कि देख के और चिन्हित करके उनको नियुक्ति, चाहे छोटी भर्ती रही हो चाहे बड़ी भर्ती रही हो, उसमें पैसे का खेल होता था और कुछ चिन्हित लोगों के परिवारों में भी वो नियुक्ति प्रमाण पत्र चोरी छिपे जाना दिया जाता था, कोई जानता नहीं। ठीक सर, सर वहीं बैठ जाएं बाइक पे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।